भाई ये एक एक स्टाइल पर एक विस्फोटक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा का एक जवाब सामने आया है, एक स्टेटमेंट सामने आया है। किसके बारे में बोल रहे हैं आप? ज्यादा समझदार हैं, हम तो नाम भी ले लेंगे, कोई टेंशन होती नहीं स्पोर्ट्स यारी में, आपको पता है। रोहित शर्मा ने यंगस्टर्स की भूख के बारे में क्या बोला ये टेस्ट क्रिकेट में? रोहित शर्मा ने बोला, देखो जिनको टेस्ट क्रिकेट की भूख नहीं है वो देख के ही पता चल जाता है, जिनको टेस्ट क्रिकेट की भूख नहीं है यंगस्टर्स को, वो देख के ही पता चल जाता है कि वो लोग कौन है। उन सबको खिलाने का क्या फायदा है फिर? साफ साफ उन सबको खिलाने का क्या फायदा फिर? मतलब कि इंग्लिश ट्रांसलेशन भी लिखा हुआ है, सी द वन हु डजंट हैव हंगर टू प्ले टेस्ट क्रिकेट कैन बी सीन। मतलब कि जिस आदमी में भूख नहीं है टेस्ट क्रिकेट, जिसको इंटरेस्ट नहीं है टेस्ट क्रिकेट खेलने का, वो तो दिख जाता है। तो फिर ऐसे प्लेयर को खिलाने का मतलब ही क्या है भाई मेरे? देखो हम डायरेक्ट नाम नहीं लेते बिकॉज उन्होंने नहीं लिया, लेकिन अगर घुमा फिरा के बात करूं तो कौन सा ऐसा प्लेयर है जी जो अभी हाल फिलहाल में बाहर हुआ है? कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसको हाल फिलहाल में बीसीसीआई ने बोला कि रणजी खेल ले बेटा और वो नहीं है? कौन सा ऐसा प्लेयर है जो साउथ अफ्रीका से वापस आ गया सी? ईशान कौन किशन सा प्लेयर है? मैं तो सवाल पूछ रहा हूं आपसे, नाम तो पर एक ही मतलब है। अगर कौन रोहित सा ऐसा शर्मा प्लेयर है जो आज डीवाई पाटिल टूर्नामेंट हार्दिक पांड्या के साथ खेल रहा है? कौन सा ऐसा प्लेयर है जो बीसीसीआई की ललकार के बावजूद, डिक्टेट के बावजूद, पत्र लिखने के बावजूद, ये बोलने के बावजूद कि भाई रणजी नहीं खेलोगे तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा चला जाएगा, कौन सा प्लेयर है जो जाके, रणजी तो नहीं खेलता लेकिन डीवाई पाटिल में रिलायंस वर्सेस एसबीआई, मेरे ख्याल यही मैच चल रहा है, वहां से एसबीआई के लिए खेलता है, चाहे वो डोमेस्टिक टूर्नामेंट ही क्यों ना हो, लेकिन रणजी नहीं खेला उसने, वहां पे मना कर दिया। उस प्लेयर का नाम है ईशान किशन। मैंने आपको थोड़े दिन पहले ये बताया था, समझाया था कि यहां पे क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि दो गुट में डिवाइड हो रहा है इंडियन क्रिकेट। अब पहले आपको लगता था विराट कोहली रोहित शर्मा, वो चैप्टर क्लोज हो गया। ये बहुत बात होती थी कि विराट कोहली का एक गुट है और रोहित शर्मा का एक गुट है। जब से विराट ने कप्तानी सारी छोड़ दी और रोहित को पूरा सपोर्ट कर दिया, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं दिख रही। विराट सिर्फ आता है, अपनी बैटिंग करता है, फील्डिंग करता है, मेंटोर बनता है टीम का, सपोर्ट करता है, बात खत्म। कोई पंगा नहीं, कोई इनसिक्योरिटी नहीं कि मैं रोहित की जगह लेना चाहता हूं, उसका कोई एम्बिशन नहीं है कप्तानी का। लेकिन रोहित एज अ कैप्टन, किसका एम्बिशन है कप्तानी का? हार्दिक पांड्या का। एक कप्तानी वो रोहित शर्मा से ले चुका है जो सबसे उसके दिल पे चोट लगी हुई है, मुंबई इंडियंस की कप्तानी। अब यहां पर दो कैंप्स क्लियरली नजर आते हैं। एक कैंप में रोहित शर्मा के साथ कौन कौन है, जिस जिसने सहानुभूति दिखाई रोहित शर्मा के साथ, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, बाहर बैठे हुए कोचिंग करते हुए कायरन पोलार्ड, उन्होंने तक लिख दिया था रोहित शर्मा के फेवर में। दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या के पोस्ट कौन लाइक कर रहा है, कौन जाके हार्दिक पांड्या के साथ जिम सेशन कर रहा है, कौन जाके हार्दिक पांड्या के साथ प्रैक्टिस कर रहा है, कौन जाके हार्दिक पांड्या के साथ मैच खेल रहा है, उसका नाम है ईशान किशन। और आज जो मैच चल रहा है बाय द वे, उसमें सिर्फ ईशान किशन नहीं है। अच्छा, आज हार्दिक पांड्या दूसरी टीम है, लेकिन ईशान किशन है बेसिकली उस टूर्नामेंट के अंदर में, वो पता चला है कि उस टूर्नामेंट में है। लेकिन वहां पे कौन कौन खेल रहा है? मुंबई इंडियंस के और भी प्लेयर्स हैं, पीयूष चावला है वहां पर, निहाल वडेरा का नाम सामने आया है, पीयूष चावला का नाम सामने आया है। तो एक तरीके से मुंबई इंडियंस की जो टीम है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं बिकॉज वहां पे रिलायंस की टीम है, तो वो हार्दिक पांड्या एक तरीके से, जो लोगों को लग रहा है हमारा फ्यूचर हार्दिक के अंडर है, हमारा फ्यूचर रोहित के अंडर नहीं है। और ये एक तरीके से वार, आप माने या ना माने, जो आप अगर इफ यू पुट टू एंड टू टुगेदर, भाई कौन सा प्लेयर है जिसकी बात हो रही है बताओ तो सही। पहले तो मैंने कभी नहीं सुना रोहित को ऐसे नेगेटिव बात करते हुए किसी के लिए भी, कभी सुना है आपने? हमेशा पॉजिटिव ही बोलते हैं प्लेयर्स के लिए। पहली बार इतना शार्प स्टेटमेंट दिया, और स्टेटमेंट कब आया? जब आप सीरीज जीत गए हो, अब तो बोलेगा धड़ल्ले से भाई। अगर मैं यही बोल रहा हूं, अगर ना जीतता रोहित शर्मा, अगर ये सीरीज ना जीतते रोहित शर्मा, भाई वर्ल्ड कप कप्तानी भी चाहिए, टेस्ट क्रिकेट है, वर्ल्ड कप कप्तानी भी सवालिया निशान आता कि भाई ये तो ये नहीं जीता पा रहा, इंडिया में नहीं जीता पा रहा 12 साल के बाद, तो तुम घर पे हार गए टेस्ट सीरीज, ये तो कप्तान है, इसे तो जिताया नहीं जा रहा, बैटिंग भी नहीं हो रही, बाहर करो इसको। अब हिम्मत भी आ गई, अब भाई जीत के हिम्मत आ गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीतने के बाद सीधा धड़ल्ले से बोला है भाई कि जिन जिन क्रिकेटर्स को टेस्ट क्रिकेट की भूख नहीं है
वो तो देख के पता चल जाता है उनकी शक्ल पे, और उन सबको खिलाने का फायदा क्या है। बट इसमें अगर एक और एंगल देखा जाए ना कि एक तो हार्दिक पांडे वाला जो एंगल है उसके साइड पे अगर ईशान किशन वाला एंगल दिख रहा है, यही मतलब हार्दिक पांडे को अगर हम स्टोरी से थोड़ा साइड हटाएं तो ये बताता है कहीं ना कहीं कि मैनेजमेंट का इसके ऊपर क्या रवैया है। ये जिस एक प्लेयर के लिए चीज सबसे बेस्ट हुई है ध्रुव जुरेल, क्योंकि ईशान किशन हमेशा आपकी टेस्ट की स्कीम ऑफ थिंग्स में था। अगर कहीं ईशान किशन वो साउथ अफ्रीका सीरीज से अपना नाम वापस ना लेते, बिकॉज जो रिपोर्टेडली आया ईशान किशन ने मेंटल फटीक का, पर्सनल रीजंस का, जो मर्जी का, ईशान किशन वो साउथ अफ्रीका में ना होकर थे कहाँ पर, वो कुछ टीवी रियलिटी शोज का हिस्सा हमें देखने को मिले, केबीसी में आए थे स्मृति मांदना के साथ, फिर वो आपको न्यू ईयर पे कुछ उनकी पार्टी करते कि उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया पे तस्वीरें डाली। शायद टीम इंडिया के मैनेजमेंट को इस चीज़ का बुरा लगा हो, क्योंकि जब अफगानिस्तान की स्क्वाड अनाउंस होनी थी तब भी ये आया था कि सिलेक्टर्स और मैनेजमेंट ईशान किशन की इस अप्रोच से कुछ उतना ज्यादा खुश नहीं है, नहीं है। हालांकि द्रविड ने खारिज किया था, द्रविड ने बोला था कि अभी उसने अपने आपको अवेलेबल नहीं किया, उसने उन्होंने पर्दा डाला, लेकिन था यही सही। टू बी वेरी क्लियर, अगर हम राहुल द्रविड साहब की जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखे ना, उनका काम पर्दा डालना ही है। और यहाँ पर हुआ क्या, ईशान किशन आपका विकेट कीपर बैटर, दूसरा आपका के एस भरत था जो आपकी आखिरी टेस्ट सीरीज थी उसमें तो आपने यही कुछ किया, और जब के एल राहुल विकेट कीपिंग से हट गया तो ईशान के बाद के एस भरत आ गया। ईशान किशन ने अपना काम खुद खराब किया साउथ अफ्रीका से नाम वापस लेकर, और इंडिया को फिर चाहिए था एक नया विकेट कीपर बैटर, टेस्ट के लिए उनको बढ़िया लग गया ध्रुव जुरेल। और आप कुदरत का कायनात देख लो भाई, आज ध्रुव जुरेल ही आपका मैन ऑफ द मैच बना है। हाँ। और ईशान ईशान बाहर है। हाँ, इसमें मेरे हिसाब से वो ग्रुपिज्म वाला पार्ट थोड़ा सेकेंडरी रहेगा, है वो पॉइंट लेकिन सेकेंडरी है। प्राइमरी मेरे हिसाब से इसका यहाँ पर यही हुआ है कि भाई जो ईशान किशन ने साउथ अफ्रीका से अपना नाम वापस लिया था, सिलेक्टर्स को, बीसीसीआई मैनेजमेंट को वो चीज पसंद नहीं आई, उसी को लेकर एक और बात, उसी की सजा मिली। और रोहित ने यही बताया कि मैनेजमेंट की सोच वन साइडेड ना देखिए, ग्रुपिज्म की बात मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, वन साइडेड। सिर्फ रोहित शर्मा आज जीत गए, वो खलीफा बन गए, सिर्फ उनका पक्ष ना देखिए आप, एक पक्ष ईशान किशन का भी है मेरी जान। उसकी पर्सपेक्टिव से अगर देखिए, बंदा 200 बार के ड्रॉप होता है, बंदे को आप भाजी तरकारी के साइड में कभी भी खिला लिया, कभी भी बार कर दिया, आजा बेटा। जब ऑस्ट्रेलिया सीरीज हो रही थी इंडिया में, उसने बुरा नहीं खेला था, उसके 250 थे, 250 थे, वो बाहर होता है। वहां पे कौन आता है उसका रिप्लेसमेंट, जितेश शर्मा आता है साउथ अफ्रीका में, जितेश कौन खेलता है, जितेश शर्मा खेलता है। तो ईशान किशन वाज आल्सो सिक एंड टायर्ड ऑफ रोहित शर्मा ट्रीटिंग हिम लाइक दैट, लेट्स बी ऑनेस्ट। देखो भाई, आप बोल दो कि रोहित शर्मा बिल्कुल ठीक है, आज जीते हुए उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, लेकिन देयर आर ऑलवेज टू साइड्स टू द कॉइन। ना मैं यहाँ पे ईशान किशन को विलन बनाऊंगा, ना मैं यहाँ पे हार्दिक पांड्या को विलन बनाऊंगा, ना ही मैं यहाँ पे रोहित शर्मा को विलन बनाऊंगा। ये बीसीसीआई को देखना है, अगर बीसीसीआई ये बोलती है कि ईशान किशन को रणजी खेलना है तो उसको खेलना पड़ेगा बॉस। वो क्यों नहीं खेल रहा है बीसीसीआई को पता लगाना है, कहां से उसमें इतनी हिम्मत आ रही है। और बाय द वे, ये जो मापदंड है ना, ये मापदंड है, ये सबके लिए सेम होना चाहिए। श्रेयस अय्यर को भी खेलना है, ईशान किशन को भी खेलना है, एंड हार्दिक पांड्या क्यों नहीं खेल रहा वैसे बाय द वे, वो तो टेस्ट के लिए फिट है हार्दिक पांड्या को, ये यार उसका राज चल रहा है क्या? ऐसा नहीं होता ना, आपने एक अगर बनाया है रूल बनाया है कि भाई डोमेस्टिक सबने खेलना है, तो उसमें ये नहीं होता कि नहीं जी हार्दिक जी हमारे फ्रेजाइल छुड्डू बुड्डू बेटा है, छुई बुई बेटा है, उसको लग जाएगी। क्यों ईशान किशन बोल दे भाई मेरे लगी हुई है, उसने बोल ही दिया श्रेयस अय्यर ने कि मेरी बैक में पेड़ है, जो मर्जी है, साइड स्ट्रेट है, मैं नहीं खेलता, बात खत्म हो गई। ऐसे तो कोई भी बोल देगा। तो आप रूल वो बनाओ जिसके ऊपर आप सबको कामयाब तरीके से खिला पाओ, वरना रूल मत बनाओ आप। और ईशान किशन तो डेफिनेटली उसकी गलती है ही है, और लेकिन उसके भी दिल पे अगर लगी हुई थी, ये कोई तरीका नहीं था वापस आने का। अगर वापस फ्रैंकली मेंटल फटीक की वजह से आया तो अलग बात है, लेकिन फिर ये बता रहा है लक्षित कि भाई वो केबीसी जा रहा है, केबीसी जा रहा है, पार्टी में कुछ उसका आ रहा है, व्हाटएवर, रणजी के प्लेयर्स को वो रिप्लाई नहीं कर रहा। अच्छा, मैं तो सबसे बड़ा हैरान ये हूँ भाई, जयशाह से ऊपर तो पत्ता नहीं हिल सकता। देखो सबसे बड़ी, मैं आई एम अमेज वैसे बाय द वे, मेरे को ये एंगल समझ में नहीं आ रहा। जिस दिन जयशाह साहब ने वहां पे ये बोला था कि भाई रोहित शर्मा हमारा कप्तान रहेगा वर्ल्ड कप में, और रोहित शर्मा की कप्तानी में हम झंडे गाड़ेंगे बारबाडोस में जाके T20 वर्ल्ड कप, हम मतलब पैराफ्रेज कर रहा हूं लेकिन जीत क्या है, ये यही बोल दिया उन्होंने। उस सेम दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि भाई हम वी विल नॉट टेक एनी नॉनसेंस फ्रॉम एनी प्लेयर, और मैं सारी
अथॉरिटीज को चिट्ठी लिख रहा हूं, ईमेल कर रहा हूं कि भाई आपको प्लेयर्स को डोमेस्टिक खिलाना है, रणजी खिलाना है, नहीं तो सिलेक्टर्स को बोल रहा हूं ड्रॉप कर देना। यहां तक बात आ गई कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएंगे, हो सकता है बंदे के कान पे जूड़ी रहेगी भाई। वो आज डीवाई पाटिल खेलेगा टूर्नामेंट वहां पे जो भी हो रहा है इनका, और उसने रणजी छोड़ दिया फिर भी। मैं तो ये हैरान हूं भाई, जयशाह ने इतना एक्सप्लिसिटली आके मुंह पे बोल दिया कि अगर तुम लोग नहीं खेलोगे तो बाहर निकाल देंगे, वो फिर भी नहीं खेल रहा। नहीं, ईशान किशन का कौन शह दे रहा है भाई। एक और आपने एंगल छोड़ दिया, बीच में ये भी आया था कि ईशान किशन अपने कजन की या पता नहीं किसी की पार्टी थी फैमिली मेंबर की, ये दुबई भी गए थे भाई, ये दुबई में भी दिखे थे जहां पे रिपोर्टेडली इनकी पिक्चर्स भी आई थी धोनी के साथ। इनकी फैमिली मेंबर की कुछ बर्थडे पार्टी थी जिसके लिए दुबई में भी दिखे थे, तो वहां पे सबने सवाल उठाया था कि ये वहां पे कैसे है। बट प्रॉब्लम पता क्या लक्षित, कि यार क्या होता है ना कि ईशान किशन ने देखो टेस्ट क्रिकेट में भी परफॉर्म किया था, आपने तो T20 और ओडिया गिनवाया, टेस्ट क्रिकेट में उसने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 50 लगाया था, तो हमने देखा था कि ऋषभ पंत जैसी अप्रोच एक बंदा लेके आया था ईशान किशन, जो कि नीचे से तेज भी खेल रहा था, जब उसका बनता था तो आपने वहां पे बता दिया कि केएल राहुल जी साउथ अफ्रीका सीरीज में विकेट कीपिंग करने वाला है, मतलब ईशान किशन को समझ आ गया था कि वो ड्रॉप होने वाला है, केएल राहुल की जगह बनेगी यहाँ पे। तो आपने एक बंदे को इतना बेंच करा कि उसको भी मैं मेंटल फटीक अगर हो गया, देखो मेंटल फटीक अगर हुआ था तो बिल्कुल फेयर बात है ईशान किशन की तरफ से, वहां पे उनकी तरफ से बिल्कुल फेयर था, क्योंकि किसी भी प्लेयर को आप इतना ड्रॉप करेंगे परफॉर्मेंसेस के बाद तो उसको कहीं ना कहीं मेंटली हिट करेगा कि भाई मैं परफॉर्म कर रहा हूं फिर मेरी जगह क्यों नहीं बन रही यार, मैंने कुछ गलत थोड़ी किया है, मैंने किसी का कुछ उखाड़ा थोड़ी है, कुछ गलत थोड़ी कर दिया कि मेरे को बाहर कर रहे हो आप। वो T20 में रन बना रहा है, वो ओडीआई में बड़ा झटका मेरे ख्याल वही था भाई, जब 200 बना के ड्रॉप किया था, 200 बना के ड्रॉप कौन करता है, इवन आपको याद होगा रोहित शर्मा, रोहित शर्मा के साथ बैटर भी हुआ था, पुरानी नई की बात नहीं है लक्षित, बार बार उसी के साथ हो रहा है। एक बार बता रहा, 200 बना के वो ड्रॉप होता है ऑस्ट्रेलिया वाली टेस्ट, ऑस्ट्रेलिया वाली T20 सीरीज में, फाइनली उसके रन आते हैं T20 में, वहां पे फिर वो ड्रॉप हो जाता है। टेस्ट सीरीज में जैसे बता रहा है कि टेस्ट सीरीज में उसने रन मार दिए, वहां पे फिर वो ड्रॉप हो जाता है, तो उसको भी होना कि भाई मैं जो भी खेल रहा हूँ मेरे को सीरियसली लिया ही नहीं जा रहा, मेरे को बार बार ये ड्रॉप करते तो बाहर में जाओ भाई, मैं फिर मुंबई इंडियंस के लिए खेल लेता हूँ, और मैं हार्दिक पांड्या के पैर पकड़ता हूँ कि भाई तू कप्तान बन, तू मेरे को खिलाएगा तो सही कम से कम, रोहित तो मेरे को नहीं खिलाता। बात पता है, एक तो पहली बात, जब ईशान में नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम ईशान किशन, इज अ वेरी गुड प्लेयर, लेकिन जो उन्होंने कहा उसका थोड़ा सा काउंटर मेरे पास ये है कि जब ईशान किशन ने पहली बार दोहरा शतक बनाया 200 के बाद, आप व्हाइट बॉल की ओडीआई T20 दोनों मिलाकर देखोगे, ईशान किशन का लगातार 15-16 पारियों में फेलियर था, बात नंबर एक। बात नंबर दो, जब ईशान किशन को ऑस्ट्रेलिया के सामने 50s के बाद ईशान किशन को थोड़ा पीछे रखा गया ना, तब क्या हुआ था कि आपको जितेश शर्मा को भी एक मौका देना था ताकि आप देखो कि हमारे बाकी लड़के क्या कर रहे हैं, और उसमें पूरी टीम में चेंजेस हो रहे थे, ये नहीं था कि ईशान और जितेश का चेंज किया, आपने बाकी लड़कों को भी ट्राई करना था। तीसरी बात जो रही, जो साउथ अफ्रीका में किया गया कि पहले ही बोल दिया कि केएल राहुल वहां पर विकेट कीपर बैटर होंगे, बिकॉज उस टाइम पर मैनेजमेंट को शायद बैटिंग वाइज और अपने कॉम्बिनेशन को सेफ उठाने के लिए केएल राहुल पर ज्यादा भरोसा था। अब ईशान किशन को अगर यहाँ पर ये चीज गलत लगी तो इन्हें अब सिलेक्टर से या फिर मैनेजमेंट से बात वापस आना, तो मतलब कंप्लीट करना था ईशान किशन को, मैनेजमेंट सिलेक्टर से, कप्तान से, कोच से, किसी से बात करनी चाहिए थी। जो उन्होंने किया वो मैनेजमेंट को पसंद नहीं आया, ये उसका उनको फलसफा मिल रहा है। अब यहीं पर एक ऐसा प्लेयर मैन ऑफ द मैच बनने के बाद, 5 विकेट हॉल लेने के बाद वो ड्रॉप होता है, कुलदीप यादव। अब कुलदीप ने मेरे जान ये थोड़ी किया, कुलदीप यादव took his time, कुलदीप यादव had some patience in it, और आज वो खेल रहे हैं ना इंडिया के लिए। भाई एक तरीका होता है, शायद आपको उसको फॉलो करना चाहिए था, और ईशान ने जो किया वो मैनेजमेंट कैप्टन को पसंद नहीं आया, और कैप्टन इसीलिए ऐसी चीज बोल रहे हैं अभी, और मैं ईशान को कुछ गलत नहीं कर रहा, बहुत सॉलिड प्लेयर है भाई वो, लेकिन जो चीजें उसने की वो शायद मैनेजमेंट को पसंद नहीं आया, नतीजा ये है। कुलदीप के साथ भी हुआ ना, कुछ गलत बोला मैंने, कुलदीप 5 विकेट बांग्लादेश में ड्रॉप हुआ था, ईशान किशन का यहाँ पे बेहतर कमबैक क्या था कि वो रणजी में खेलता, रणजी में रन बनाता, ये होता मुंह तोड़ जवाब कि आपने मुझे जगह नहीं दी कि मैं जगह बना के आ रहा हूँ, रन बना के आ रहा हूँ रणजी में, और अब मैं जगह डिजर्व करता हूँ। लेकिन उसने क्या तरीका चुना, उसने अकड़ने वाला तरीका चुना। अब ये इस चक्कर में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना खोदे, वहां से हाथ ना धो बैठे, ये टीम में जगह नहीं बना पाएगा। देखो T20 वर्ल्ड कप की बात हो रही थी, वहां पे जगह नहीं बना पाएगा। अगर ईशान किशन ये वापस आया ना, तो ईशान किशन अगर आपने वो गिराया है कि कुलदीप को ड्रॉप किया, एक और नाम है ऋषभ पंत। आज की डेट में रोहित शर्मा को कोई ब्लेम नहीं करता ऋषभ पंत के लिए, लेकिन रोहित शर्मा को भी ब्लेम जाता है ऋषभ पंत के लिए, बिकॉज ऋषभ पंत भी बांग्लादेश सीरीज छोड़ के आ गया था,
जब ऋषभ पंत को इन्होंने वनडे से बाहर कर दिया था ये बोल के कि केएल राहुल की पिक करेगा, तो जैसे ईशान किशन आया है साउथ अफ्रीका से वैसे ही ऋषभ पंत भी बांग्लादेश से आ गया था, और उसमें भी रोहित शर्मा राहुल द्रविड़ की गलती थी, वो कहीं से भी वनडे से ड्रॉप नहीं होता था बिकॉज वो इंग्लैंड में फाइनल में मतलब जो उनकी बायलैटरल सीरीज थी लास्ट में 100 बार के जिताई थी उसने, वो सीरीज उसने जिताई थी, तो ऋषभ पंत को भी निकालना चाहिए था। तो यहाँ पर देखो कुछ लोग हैं जो रोहित शर्मा कैप, मैम अगेन इट ऑल कम्स टू कैप, कुछ लोग हैं जो रोहित शर्मा राहुल द्रविड़ से बड़े खुश है, जैसे केएल राहुल वगैरह है ना, वो बड़े खुश रहेंगे कि बार बार उनको मौका मिलता है, बार बार वो लोग आते हैं। कुछ लोग अब क्लियरली पता चल रहा है, जैसे ईशान किशन हो गए, ऋषभ पंत उस टाइम पे थे नहीं खुश थे, वो वापस आ गए थे, वैसे ही रिपोर्टेडली जो लिखा जाता है अभी दिख रहा है कि ईशान किशन खुश नहीं है और रोहित शर्मा भी अब उनसे, अब ये बातें ना खुले में आ रही है, ये बातें पहले हश हश होती थी, कोई बताता नहीं था, कोई आपने कभी देखा है कि विराट और रोहित एक दूसरे के बारे में कभी ऐसी बात करी हो, लेकिन रोहित ईशान के बारे में घुमा फिरा के तो ईशान को ही बोला ना, ये क्लियर हो रहा है, और ईशान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि मैं रणजी नहीं खेलूंगा, भाड़ में जाओ मैं हार्दिक के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, मेरे को कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने अपनी लॉयल्टी शो कर दी कि मेरी लॉयल्टी रोहित शर्मा की तरफ नहीं है, मेरी लॉयल्टी अब हार्दिक पांड्या की तरफ है, ये लगता है, ये नजर आ रहा है। हार्दिक की लॉयल्टी तो रोहित शर्मा पे है ही नहीं। देखो आप जितना मर्जी बोल लो भाई, T20 वर्ल्ड कप में दोनों ही खेलने वाले हैं ना अभी तो, अभी तो विराट को साइड रखो, रोहित ने खेलना, हार्दिक ने खेलना पक्का है, क्योंकि आपके गोइंग बाय जयशास स्टेटमेंट, रोहित आपके कैप्टन है, हार्दिक आपके वाइस कैप्टन है, कैसा कैसी केमिस्ट्री है भाई इन दोनों में, कैसी केमिस्ट्री है दोनों, 36 का आंकड़ा लग रहा है भाई, कहीं से भी नहीं लग रहा कि दे कैन कोएग्जिस्ट, कहीं से भी नहीं लग रहा, लग रहा है कि ईशान हार्दिक बाकी दो तीन प्लेयर और एक कैंप है, यहाँ पे लग रहा है सूर्या रोहित बुमराह ये एक कैंप है, तो पता नहीं भाई भगवान ही मालिक है, जब आईपीएल शुरू होता है तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। इतना अजीब लग रहा है ना मुझे जनरली ये हमारे क्रिकेट, ये बोलने का मतलब हमारे, हमारे क्रिकेट के लिए कितनी शर्म की बात है। आपने कभी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जैसी टीमों के बारे में सुना ही है? ये हमारे क्रिकेट भाई में सीधा बोल दिया, ऐसे प्लेयर को खिलाने का फायदा ही क्या है? ये हमारे क्रिकेट में, मैं ये नहीं कह रहा कि रोहित शर्मा ने रोहित शर्मा ने कुछ गलत कर दिया, गलत कह दिया, लेकिन हमारे क्रिकेट में दो कैंप्स बट रहे हैं, कितना बकवास बात है वैसे। बाय द वे यार आपके आज से पहले कभी नहीं हुआ है, हमेशा से थी, दो कैंप्स कब बट गए यार, आठ रोहित हमेशा से थे यार, ऐसा नहीं हुआ। 21 का वर्ल्ड कप आपका इसी चक्रों में खराब हुआ है, बिल्कुल 21 का वर्ल्ड कप नॉकआउट में भी गए, 100% ये जो अभी चल रहा है, राहुल चहर कहां से आ गया था और जो चक्रवर्ती कहां से आ गए यार, हवा में तेज फेंकेगा, चक्रवर्ती तो फिर भी ठीक था, हवा में तेज राहुल चहर गया, चक्रवर्ती के लिए नहीं था, चक्रवर्ती तो भाई आईपीएल में परफॉर्म करके बहुत बेहतरीन आ रहा था, राहुल चहर तो वो आदमी था जिसको मुंबई इंडियंस ने फाइनल में ड्रॉप कर दिया था, उसकी जगह जयंत यादव आ गया था, ये तो उसको इतना मारा था दिल्ली कैपिटल्स ने, बाकस टॉयलेट वगैरह ने, कि उसको ड्रॉप कर दिया था इन्होंने फाइनल के लिए, इसको क्या नाम है उसका, क्या नाम है यार, राहुल चहर को, राहुल चहर उसके बाद मुंबई ने भी छोड़ दिया और दिखाई दिया और वर्ल्ड कप खेल गया, पंजाब किंग्स के लिए खेलता है अब तो, पर इंडियन क्रिकेट में ऐसा, पर मुझे समझ नहीं आता, टीम तो नहीं हुई ना वो, मुझे समझ ये नहीं आता कि इंडियन क्रिकेट में ऐसा क्या है कि जो ये दो कैंप्स बन जाते हैं, और इवन अभी भी बन गए जस्ट टूर्नामेंट से पहले, ऐसा नहीं कि बनते, ये टूर्नामेंट से पहले ही ये सारे के सारा जो पंगा आता ना कि भाई यहाँ पे दो कैंप बनेंगे, एक तरफ ये एक तरफ वो, और इस चक्कर में हमारी आईसीसी ट्रॉफी जाएगी। और मुझे सच बताओ, मैं दिल से चाहता हूँ कि हम T20 वर्ल्ड कप जीते, लेकिन अगर ये तमाशे चलेंगे ना, ये प्लेयरों के तमाशे, ये दो कैंप्स के तमाशे, भाई तो अभी इसमें तो आप आईपीएल आने तो दो, अभी आप आईपीएल आने तो दो, फिर आप देखो आगे आगे होता है क्या भाई साहब, फिर आप देखो होता क्या। मैं तो देखने को मतलब वेट कर रहा हूँ उस मोमेंट की आईपीएल के भाड़ में कि हार्दिक और रोहित का विजुअल तो आए, MIGT वाला, अरे विजुअल MIGT भी भाड़ में गया भाई, MI हार्दिक और रोहित एक साथ फील्ड पे मुझे दिखाई तो दे कि केमिस्ट्री क्या है, जहाँ पे हार्दिक कप्तानी कर रहा है, मैं देखना चाहूंगा 24 मार्च 2024 मैं तो देखना चाहूंगा कि रोहित शर्मा हार्दिक की कप्तानी में खेलते कैसे है उस दिन ना, आईपीएल के क्या होता है, आईपीएल की पीक व्यूअरशिप भाई होता है, MIGT का मैच, जीटी के मैच भी देखेंगे, MI वाले और पूरे इंडिया वाले इसलिए देख रहे हैं, स्क्रिप्ट में कोई कमी है दोस्तों, हार्दिक क्या करेंगे, स्क्रिप्ट में कोई कमी है नहीं, इससे बहुत अच्छी भाई ये था रोहित शर्मा का स्टेटमेंट, भी हमने आपको दिखा दिया थोड़ी।